और अब खबर शिवपुरी से है, जहां मंगलवार सुबह बारातियों से भरी बस पिपरसमा फोर लेन पर असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डेढ़ दर्जन बाराती घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचवाया है। तो वहीं मृतक के पोस्टमार्टम के लिए भी उसके शव को भिजवाया गया है। सोमवार को दूल्हा बलवीर जाटव की बारात शिवपुरी के सिरसौत गांव गई हुई थी। मंगलवार सुबह बारात विदाई के समय सिरसौत के पास वापस लौटकर ईसागढ़ जा रही थी और तभी फोर लेन से गुजर रही बस का संतुलन बिगड़ गया और असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 36 साल के कमल किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला और बच्चे सहित कुल 18 लोग घायल है। जानकारी मिलते ही कोतवाली TI सुनील खेमरिया दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पिपरसमा फोर लेन हाईवे पर बारातियों से भरी बस पलट गई है, जिसमें एक बाराती की मौत हो गई जबकि 18 बाराती घायल हैं। जिला अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। वहीं हादसे का कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है, इसकी जांच की जा रही है। पता नहीं सुबह 4:30 बजे का केस है जी। सब लोग सो रहे थे, वो ड्राइवर पता नहीं दारू के नशे में था कि नींद के वहाँ में था। वो हमको तो जब पता लगा जब गाड़ी एकदम फेंक गई है। एक लड़के की मौत हुई है, इसका नाम रामकिशोर था, कमल किशोर। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ईसागढ़ से सिरसौत आई थी और सिरसौत से वापस हो रही थी ईसागढ़ के लिए। जे ईसागढ़ से सिरसौत बस में बारात आई थी तो उसमें 20-25 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।